अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत दिनों से आप लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था। डेट शीट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप लोगों को मिल जाए तो आप लोगों को पता चल जाता है कि आपका टाइम टेबल क्या होगा, आपने किस पेपर को कितना टाइम देना है, ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो सके। तो डेट शीट बताने से पहले आप लोग सबसे पहले अपने पास एक पेपर और एक पेन रख लें, ताकि जो जो मैं सब्जेक्ट आपको बताती जाऊँ कि ये इस सब्जेक्ट का पेपर किस डेट को है या किस डे को है, ताकि आप वो आप लोग नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म की परेशानी या कन्फ्यूजन ना हो कि जी हमारा पेपर किस डेट को था या किस डे को है। इससे बचने के लिए आप लोग अपने पास एक पेन और पेपर लाजमी रखें। तो आज जो मैं आपको डेट शीट बता रही हूँ वो है क्लास 10 साइंस ग्रुप की, जो कि पंजाब बोर्ड की है। पंजाब बोर्ड में आप लोगों के पास कौन कौन से बोर्ड आते हैं? पंजाब बोर्ड में आपके पास बोर्ड जो आता है वो है लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, सरगोधा बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, मुल्तान बोर्ड एंड डीजे खान बोर्ड। ये जितने भी बोर्ड्स हैं ये आपके पास पंजाब बोर्ड के अंदर आते हैं, और इन सब बोर्ड्स की यही डेट शीट है। तो अब आते हैं हम सबसे पहले कि हमारा पेपर किस डेट को है और कौन सा पहला पेपर है। तो आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है वो है 2 मार्च को है आप लोगों का पेपर। 2 मार्च वाले दिन आपके पास जो डे बन रहा है वो है सैटरडे, और फर्स्ट पेपर है आप लोगों का उर्दू, जो कि कंपलसरी पेपर होता है। ठीक है, आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है वो है 2 मार्च, डे आपका सैटरडे है और पेपर आपका उर्दू है। इसके बाद आपके पास एक छुट्टी अवेलेबल है आप लोगों को, और नेक्स्ट पेपर जो है आपके पास वो मंडे को है, 4 मार्च को। 4 मार्च मंडे। 2nd पेपर आप लोगों के पास कौन सा है? जो 2nd पेपर है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश में आपके पास जस्ट 1 छुट्टी अवेलेबल है जो कि संडे की है। नेक्स्ट आ जाए 3rd पेपर की तरफ। तो 3rd पेपर जो आप लोगों का है वो है 6 मार्च को, और 6 मार्च को जो डे बनता है वो है वेडनेसडे, और जो पेपर है आप लोगों का वो है फिज़िक्स। 6 मार्च डे आपके पास वेडनेसडे, और पेपर आपके पास क्या बनता है? फिज़िक्स में भी आप लोगों के पास जस्ट 1 छुट्टी है जो कि है ट्यूसडे की। ओके, नेक्स्ट इसके बाद जो आपके पास फर्दर 4th पेपर है वो है 8 मार्च को, और 8 मार्च के जो डे है वो है फ्राइडे, और उस दिन जो आप लोगों के पास पेपर है वो है केमिस्ट्री। 8 मार्च डे कौन सा है? फ्राइडे, एंड पेपर है आप लोगों के पास केमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट पेपर क्या है? अभी तक आपके 4th पेपर हो गए हैं। नेक्स्ट आपका जो 5th पेपर है वो है आप लोगों के पास 11th मार्च को, मैथ्स का पेपर, जिसमें आपके पास 2 छुट्टियां अवेलेबल हैं, तो वो आपके पास बन रहा है मंडे को, 11th मार्च मंडे। पेपर कौन सा है? मैथमेटिक्स, जिसमें उन्होंने आपके पास 2 छुट्टियां दी हैं। ओके, नेक्स्ट पेपर मैथ्स के बाद आपके पास जो पेपर आ रहा है वो है 13 मार्च को, जो कि बायो का पेपर होता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर रखी होती है इसीलिए उनके पास चॉइस होती है कि जिनका कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का पेपर देंगे 13 मार्च को, और जिनका बायो रखा हुआ है जिन्होंने जो सब्जेक्ट वो बायो का पेपर देंगे 13 मार्च को। 13 मार्च कौन सा पेपर है आपका? बायो एंड कंप्यूटर। बायो, फुल फॉर्म बायोलॉजी होती है, जिसे मैंने शॉर्ट करके यहाँ पे बायो लिखा हुआ है। 13 मार्च है, और डे आपके पास यहाँ पे जो बन रहा है वो है वेडनेसडे।
इसी तरह अब आपके पास यहाँ पे जो नेक्स्ट पेपर है वो है पेपर नंबर 7। 7 पेपर आपके पास जो है वो 15th मार्च को है, जो कि पार्क स्टडी का पेपर है। और जो डे हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो है फ्राइडे 15th मार्च, फ्राइडे डे है। और आपके पास जो पेपर है वो है पार्क स्टडीज़ का। पार्क स्टडीज़ मतलब पाकिस्तान स्टडीज़ फुल फॉर्म होती है, तो मैं यहाँ पे पार्क स्टडी लिख रही हूँ। अब आपके पास लास्ट पेपर रह गया है जो कि है इस्लामियात का, कंपलसरी होता है, लेकिन उसमें आपके पास एक बैड न्यूज़ ये है कि उसमें आपके पास कोई भी छुट्टी नहीं दी गई है। तो आपके पास जो नेक्स्ट 15 के बाद 16 ऑनवर्ड 16th मार्च को जो पेपर है वो है इस्लामियात का, और वो बगैर किसी छुट्टी के है। 16th मार्च, डे आपके पास है सैटरडे, और पेपर है आपके पास इस्लामियात। और इस तरह आप लोगों की ये जो 10th क्लास की डेट शीट है वो हो जाती है कंप्लीट, जिसमें मैंने आपको डेट, डेज प्लस पेपर सब कुछ क्लियरली यहाँ पे लिख कर दे दिया, और आपको कहा था कि आप लोग भी नोट कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म की यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी कोई मसला हो, कोई वर्ड समझ ना आया हो, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। और दूसरी बात कि जो न्यू विज़िटर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी पेपर से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ होंगी वो आपको फर्दर प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आप लोग उसे ईज़िली हासिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपके पास ये 10th की डेट शीट थी, नेक्स्ट हमारे पास 9th की डेट शीट भी अवेलेबल है, वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और थैंक यू।